स्वागत है आप सबका उमाज़ लाइफस्टाइल पर और उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज ले चलती हूँ आपको स्कूल, और स्कूल में आज क्या है, आज फेट है, तो आज मेला है। और पहले तो कोविड के पहले हर साल ये फेट ऑर्गेनाइज होता था। एंड व्हाट इज़ फेट, ये मेला है। और इसको जो भी, इससे जो भी फ़ायदे होते हैं, जो भी इनकम होता है, उसको सोशल सर्विस के लिए यूज़ करते हैं। सो इसको मर्सी फेट भी बोलते हैं। तो ये मर्सी फेट ऑर्गेनाइज होता है दिसंबर में, और ये पहले से ही, शुरू से, बहुत सालों से होता आया है। कोविड के कारण बंद हो गया था, और काफ़ी 3 साल बाद अभी इस साल फिर से हो रहा है। तो देखते हैं कैसा रिस्पांस रहता है, बच्चों में कैसी एक्साइटमेंट होती है। तो चलिए चलते हैं स्कूल, और फिर चलते हैं, देखते हैं फेट, इंजॉय करते हैं। यस, वो फेट तो हमेशा ही, मेला तो हमेशा ही बहुत इंजॉयबल होता है। तो चलिए देखते हैं आज का रिस्पांस कैसा रहता है, और आप भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ। अभी वैसा नहीं आएगा सामने से। जहां तक नजर जाएगी वहां तक भीड़ भी है। वो आएगी भी नहीं, तो चल चल के ना उसके। और क्या है रे? अब फिर से मंगोड़ी में मैं ब्लॉग बना रही हूँ। दोनों की एक्साइटमेंट देखते ही करती है। एंड इट वाज सो लाइवली एटमॉस्फेयर, वी वेर वी एंजॉयड। लो विमल, हाउ इज इट टू टेस्ट मैडम? ओके, आ गई हूँ मैं स्कूल से, और ये जस्ट वाइंडिंग वीडियो, लास्ट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, वो कर रही हूँ। हाँ, कल जैसा कि आपने देखा कि मैंने काफ़ी सारा टाइम आशु के साथ स्पेंड किया। माँ को थोड़ी चोट लग गई थी, उसको लेके डॉक्टर के पास गए, लेकिन फिर उसको लंच भी खिलाया उसने, और उसके बाद फिर हम लोग घर आए, और शाम को भी उसको थोड़ी बहुत शॉपिंग करवाई। तो एक्चुअली उसको जाना था, और हाँ, आज सुबह की उसकी ट्रेन थी, निकल गया वो बिलासपुर के लिए, बिलासपुर से रायपुर, एंड रायपुर से फिर निकल जाएगा वो। सो बस एक शॉर्ट ड्यूरेशन था फ्रेंड्स उसके साथ, और इट इज़ रियली वेरी टची। और बस बच्चे आते हैं तो बहुत खुशी होती है, और जब जाते हैं तो फिर से पूरा
सुना सुना हो जाता है और एटमॉस्फेयर। आज जब घर आई तो ऐसे ही देखे सब कुछ है बट एवरीथिंग इज़ सो वेरी एम्प्टी। नहीं तो दौड़ के आता था जैसे गेट पे आओ एक हॉर्न दो तो गेट खोलने के लिए। बट ठीक है, जहाँ भी रहे अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, ठीक ठाक से पहुँच जाए, बस यही इच्छा है। और इसी के साथ फ्रेंड्स आज का ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब डू सब्सक्राइब टू द वीडियो। और मैं इमोशनल, थैंक यू। हाँ जी फ्रेंड्स, सुबह की शुरुआत हो गई है तो ये कढ़ाई बिठा दिया मैंने दाल के लिए। एंड ये दाल के लिए कुकर, दूध गर्म हो रहा है, पोहे की तैयारी। ये कुछ ये जो छठ में अपन चढ़ाते ना, जो तो मैंने प्रसाद चढ़वाया था, तो केला ये भून दूँगी। ये फिर पोहे के लिए थोड़ी सी मटर, और उसके बाद आज ये वाली बैंगन बना रही हूँ, भरवा बैंगन। तो मसाले थोड़े भिगो के रखी हूँ, भरूँगी आलू प्याज। और ये तो ये आज की सुबह से एक्चुअली टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है। एक दिन छुट्टी मिलती है, बहुत सारे काम, सो एवरीथिंग हैज़ टू बी डन, है ना। कपड़े भी साथ साथ में फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो। और इधर चल रहा है किचन में भी काम। ये मेलन, केला के बुझा हो गया है, एंड दाल भी बैठा हुआ है। हाँ सब थोड़े लेट तक आराम से मैं बना रही हूँ धीरे धीरे, लेकिन खाना मैं तैयार कर ले रही हूँ। चावल बाद में और दाल की छौंका बाद में लगा दूँगी। बस इससे जल्दी में कुछ गर्म कपड़े भी धोने थे, वो सब चल रहा है साथ साथ में। और आज शायद डॉक्टर के पास जाना हो, क्योंकि हस्बैंड को हो रही है एलर्जी बिल्कुल, और तो काफ़ी दिन से चल रहा है और ठीक ही नहीं हो रहा है। तो आज फिर डॉक्टर के पास जाना है। एंड आई विल नॉट लीव यू अलोन, मैं जाऊँगी साथ में। तो उसके चक्कर में मैं जल्दी जल्दी अपना काम भी निपटा रही हूँ। संडे है तो हेयर वॉश भी करना है, देखती हूँ। बने रही है फिर हमारे गर्मा गर्म पोहे, और आटा भी गूंथने के लिए रख दी हूँ मैं। स्वागत है आप सबका उमस लाइफ स्टाइल पर, और उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज सुबह से ही या आशू नहीं है, निकल गया वो, और खाली खाली तो था ही, और काफ़ी सारा कुछ एंगेज करने के चक्कर में काफ़ी सारा कुछ किया। और इवन लंच भी हो गई है हमारी, और मैंने क्लिप्स डालूंगी इसमें, देखिएगा। और
निकल गए हैं हम शहडोल के लिए और ये रहे ड्राइविंग, तो चलते हैं डॉक्टर के पास। एलर्जिकल कोल्ड है एंड देखते हैं क्या कहते हैं वो, व्हाट मेडिसिन दे गिव्स। तो चलिए चलते हैं। के घर आगे जगह नहीं है, घर आगे बहुत जगह है। तो दिस इज द क्लिनिक फ्रेंड्स जहाँ हम आए थे एंड द डॉक्टर इज, कौन सा डॉक्टर है रिडू? हाँ शर्मा फ्रॉम शहडोल मेडिकल कॉलेज। लेट्स सी क्या होता है। ही इज गिवन मेडिसिन 10 डेज का एंड लेट अस सी। फ्रेंड्स निकल गए हम घर के लिए और या त्रिमूर्ति वोला पार हो गया, वोला होटल। हाँ वहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी और काफ़ी पुलिस की गाड़ियाँ और वो सब थी। और क्यों कमलनाथ आ रहे? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आ रहे हैं, तो कल शायद उनकी विजिट है और उसकी पूरी तैयारी एकदम बिल्कुल फुल फ्लेज्ड। और ये रहा मारुति सुजुकी सर्विस सेंटर, देखना साइड। ओके सो अब बस निकल गए हम लोग डॉक्टर को दिखाने, और कुछ काम नहीं था शेड्यूल में तो बस हो गया है। और चलते हैं घर की तरफ, देखते हैं अगर चाय पी लेंगे एक एक ढाबा में तो, अदरवाइज फिर घर के लिए निकलते हैं। ये नया आया है गपशप रसोई। शहडोल आए और ढाबा ना आए, एटलीस्ट चाय ना पिए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आ गए ढाबा, एक स्टॉपेज, चाय पीते हैं, थोड़ी सब्जी ले लेंगे बुढ़ार में और फिर घर। ये है मार्केट। अगरबत्ती ले लिया, कितना हो गया बड़ा? डॉक्टर को भी दिखा लिया और डॉक्टर ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला एलर्जी है और थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, ठंडी चीज़ों से दूर रहिए और कीप योर आई ईयर्स और नोज़ थोड़ा कवर्ड रखिए। और अभी ठंड शुरुआत है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट देन कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड। और जो मेडिसिंस दिया है एलर्जिकल वो सारा तो 10 डेज़ के लिए दिया है, शायद ठीक हो जाए। और लौटते वक्त हमने चाय पी ली जो कि आपने देखा, सब्जी ले ली पूरे एटलीस्ट जितने दिन हफ्ते भर चले, एंड एक नेज़ल ड्रॉप नहीं मिला था, वो नेज़ल ड्रॉप लेने के लिए गए हुए हैं। और बस इसके साथ घर चलेंगे और आज का ये दिन बस यहीं तक, और घर जाके फिर से वही डेली रूटीन। एक बार माँ है घर पे तो चाय बनाएंगे एंड उसके बाद बैठ के मुझे कॉपीज चेक करनी है, टेस्ट पेपर्स। दिवाली के पहले एग्ज़ाम्स हुए थे, फिर आशू आ गया और फिर टाइम ही नहीं मिला कि मैं कर पाऊँ। तो मैंने सोचा हाँ आजकल करते करते अभी, और आज जैसे भी मैं वो करूँगी ही, तो चाय के साथ मैं उसको लेके बैठूँगी, वो करूँगी और रात को बस कुकिंग एंड फिर सोना। तो उसके पहले मैं ये ब्लॉग आज का यहीं एंड कर रही हूँ फ्रेंड्स। डू इंस्पायर एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और मैंने मेले का भी कल 3 साल बाद फ्रेंड्स अपने स्कूल में मेला हुआ और वो मेले के भी कुछ क्लिप्स डाले हैं। वो जो खुशी हाली थी स्कूल में बच्चों के चेहरे पे, वो आपको देख के पता चल जाएगा। तो इसके साथ ही ब्लॉग को एंड करती हूँ फ्रेंड्स। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू ऑल।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।